फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरण पोली, पर वो भी गुजराती स्टाइल से। वैसे तो चने का दाल भी बनाते हैं, पर जो गुजराती लोग बनाते हैं, गुजराती स्टाइल जो वो है, वो तुवर के दाल के बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो आज हम देखते हैं। मैंने एक बाउल भर के तुवर दाल ली है, उसे 5-6 पानी से धो दिया है। कुकर में 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अभी से वन एंड हाफ पानी डाल के कुकर रख देते हैं। ये गुजराती स्टाइल की पूरण पोली है। इसे मीडियम आंच पे 3 विसल तक अच्छी तरह से पका लेते हैं। पूरण पोली के लिए आटा गूंद लेते हैं। 1 चम्मच तेल डालेंगे और इतना नमक डालेंगे। नमक डालने से रोटी में खिंचाव आता है और अच्छी तरह से रोटी बनती है। यह रोटी का आटा मैंने पूरण पोली का गूंद लिया है। मैंने थोड़ा कड़क रखा है क्योंकि हमें वो तुवर के दाल बॉईल होके फिर उसका पूरण बनाना है, तब तक ये 1-1.5 घंटा लगेगा। इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे ही रखा है, ज़्यादा लूज़ नहीं किया। अगर जब लगता है कि भी अभी ये थोड़ा लूज़ करना ज़रूरी है, तब हम पानी डाल के उसको कर लेंगे। अभी उसे ढक के रखते हैं। 3 विसल में अच्छी तरह से हमारी दाल बॉईल हो गई है। अभी इसे मिक्सर में करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम दाल भूनते हैं वैसे उसको करना होता है। जैसे चने का दाल का हम जब पूरण बनाते हैं तब उसे मिक्सर में करके बाद में करते हैं, पर उसमें डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें तो तुवर के दाल की जो पूरण पोली बनाते हैं उसमें ये बेनिफिट होता है। अभी इसमें सेम मात्रा में जितना भी बाउल मैंने तुवर दाल ली थी उतनी मैंने शक्कर ली है। आप उस पर आधा भी कर सकते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से है। आप जितना मीठा खाते हो, कम खाते हो या ज़्यादा खाते हैं, उसी हिसाब से डालना पड़ता है, पर इसमें मैंने उतना सेम मात्रा में लिया है। मैंने रखी है उसमें हम ये मैश की हुई दाल वो डाल देते हैं। दाल हमने कढ़ाई में डाली है। अभी इतनी मैंने शक्कर ली है, मैंने उसमें इतनी बचा के रखी है, पूरी नहीं डाली है, इतनी इनफ है। अभी इसे कंटिन्यूस में चलाते रहना है, वरना दाल नीचे लग जाएगी। दाल हमारी अभी उबलने लगी है। इसमें इलायची डालना है। इलायची नरम हो गई इसलिए मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच शक्कर टीस्पून डाल के फिर मैंने उसको कूट लिया है। यह भी इसमें डाल देते हैं। चने के डाल के पूरन पोली से पूरन जो होता है उससे देर लगती है, पर यह तुवर का दाल का जल्दी बनता है। अभी इसे अच्छी तरह से हिला देते हैं और ये आज भी मैंने मीडियम ही रखी है और कंटिन्यूस में उसे हिलाना है। बादाम और काजू मैंने लिए हैं, इसे भी मिक्सर में पाउडर बना देते हैं, वही डालेंगे। उसमें जायफल भी डालने से अच्छा लगता है। अभी इसे इस तरह से मैं मिक्सर में बादाम और काजू क्रश कर लिया है। अभी इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अभी तक जैसे चाहिए वैसे गाढ़ा हुआ नहीं है, इसे और गाढ़ा कर देते हैं। अच्छी तरह से ये गोला अच्छी तरह से बन गया है। आप देख सकते हो पहले कैसे था और अभी कैसे है। अभी इसे पूरा
पूरा परफेक्ट तैयार कैसे हुआ इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये पूरा अच्छी तरह से तैयार हुआ है। अभी वापस मैं आपको बताती हूँ, ये जो चमचा है तवे था उसको ऐसे खड़े करो, अगर ये स्ट्रेट खड़ा हो गया तो समझना कि भाई हमारा पूरा अच्छी तरह से तैयार हो गया। अगर थोड़ा भी झुकता है तो वापस उसे 2-3 मिनट आप करके फिर वापस कर सकते हो तो अच्छी तरह से बन जाता है। अभी ये हमारा पूरा तैयार हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और इसे थाली में ठंडा करने के लिए रख देते हैं, फैन के नीचे रखेंगे ताकि हमारा ये जल्दी ठंडा हो जाए। पूरन हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और पूरन बनने में आधा घंटा लगता है और 15-20 मिनट में अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अभी जो हमने आटा बनाया था उसे हम चेक कर लेते हैं, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो। इसे 2 मिनट मसलते हैं, थोड़ा इसे आधा चम्मच जैसे तेल डाल के थोड़ा मसल लेते हैं। मैंने तवा रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है, अभी एक छोटा छोला लेते हैं, पूरन का गोला डाल के फिर धीरे धीरे करके उसे ऊपर लाना है और एक्स्ट्रा जो है आप उसको दबा दो या फिर निकाल दो, दोनों भी कर सकते हो। फिर ये बंद कर देना, हाथ से साइड पे आप प्रेशर कर दबा के हाथ से प्रेशर करके बड़ा कर लिया, अंदर नहीं करना है, साइड पे करना है। अभी इसे बेल लेते हैं। हमारा पूरन भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, मीन हमारी रोटी अच्छी तरह से बन पाएगी। अगर पूरन गर्म होता है तो रोटी फट जाती है, इसलिए पूरन को भी अच्छी तरह से ठंडा करना है। अभी इस पर तवे पे डाल देते हैं, मीडियम आंच पे पकाएंगे। गुजराती में रोटियां पूरन पोली हो या रोटियां हो फुलका हो वो छोटी छोटी बनाते हैं, बड़ी नहीं बनाते, इसलिए हम छोटी ही बनाएंगे। एकदम से इजीली बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे पलटा देते हैं, घी लगाएंगे,
अच्छी तरह से दो दो भाजों से अच्छी तरह से हम सेकेंगे। इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक सेकना है। इस तरह से हम सभी पूरन पोलियां बना लेते हैं। दोनों तरफ से उसे अच्छी तरह से सेकना है, बिल्कुल ब्राउन होने तक। बहुत बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है, सॉफ्ट लगती है। कहाँ से भी ये कच्ची रहनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे तुवे दाल की पूरन पोड़ी, इसे गुजराती में वेड़मी भी कहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट वेड़मी तैयार हो गई है। अगर आप इसे थोड़ा लाल करके सेकते हो तो वो क्रिस्पी हो जाएगी, और नॉर्मली सेकते हो तो वो एकदम मुलायम रुई जैसी हो जाएगी। इस तरह से मैंने बताई है आपको, मैं बताती हूँ कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हो। पूरा कवर उसका निकल जाता है, एकदम पेड़े के माफिक बनी हुई है। इस तरह से एकदम सॉफ्ट है, आप कितने भी उसको फोल्ड करो फिर भी वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स पूरन पोली बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेड़मी जरूर बनाए, गुजराती स्टाइल से वेड़मी बनाए बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।